आज 25 मई 2020 का दिन हो चुका है। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। इन खबरों में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने वाले शख्स की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को फिर एक धमकी मिली है। इसके अलावा जल्द ही दुनिया को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। वहीं आज से डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत हो चुकी है, इस खबर से भी आपको अपडेट करेंगे। साथ ही मौसम विभाग के रेड वार्निंग के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी तरह आपको आज की तमाम बड़ी खबरों से हम अपडेट करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम योगी को बम से उड़ाने का मैसेज भेजने वाले की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मिली है अंजाम भुगतने की धमकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स कामरान को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि 21 मई को कामरान नाम के एक शख्स ने यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में रात 12:30 बजे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूँ। उसके बाद उसने एक खास समुदाय का नाम लिखते हुए कहा कि वो उनकी जान के दुश्मन है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उसकी इस धमकी के पीछे किसी संगठन का हाथ है या नहीं। हालांकि अब तक की पूछताछ में आरोपी ने खुद को ही गुनहगार बताया है। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। अब 10,000 लोगों पर किया जाएगा कोरोना वैक्सीन का परीक्षण। दुनिया के कई देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। इसी बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही वैक्सीन का बंदरों और 1,000 वॉलंटियर्स पर सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद इसे 10,000 लोगों को लगाने की तैयारी चल रही है, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल होंगे। अगर ये परीक्षण भी सफल रहता है तो पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन जल्द मिल सकती है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। 2 महीने बाद आज से शुरू हो गई घरेलू उड़ानें। भारत में आज 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च को लागू हुए लॉकडाउन से भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ घरेलू उड़ानों को भी रद्द कर दिया था। पूरे 2 महीने के बाद आज से केवल घरेलू उड़ानों को बहाल कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया रेड वार्निंग। अगले कुछ दिनों तक मौसम की मार सहने को तैयार हो जाइए, सूरज की किरणें रहम दिखाने को तैयार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD का अंदाजा है कि अगले 4-5 दिन भयंकर लू चलेगी। आज से ही नौतप्पा भी शुरू हो गया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक लोगों को भारी गर्मी सहन करनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने इसके चलते कई राज्यों में रेड वार्निंग भी जारी की है। अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति के साथ ही छिटपुट इलाकों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। आइए जानते हैं पांचवी बड़ी खबर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कैसे हुई साधु की हत्या। पालघर में 2 साधु की हत्या का मामला अभी शांति नहीं हुआ कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में फिर एक साधु शिवाचार्य और एक अन्य शख्स भगवान शिंदे की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। दोनों का शव बाथरूम में मिला। हत्या के बाद आरोपी इनके शवों को कार में रखकर बाहर निकालने की कोशिश में था, लेकिन कार गेट से टकरा गई। इस दौरान छत पर सो रहे आश्रम के कुछ संत जग गए, लेकिन तब तक आरोपी भाग गया। अभी तक इन हत्याओं की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। तो ये थी आज की दिन भर की टॉप न्यूज। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।